इन चीजों का प्राइस बाहर के देशों में कितना है या फिर कैसे हमें लूटा जा रहा है। एंड दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जिस देश में शराब पीने पर लाइसेंस लेना पड़ता है और रखने पर भी, मतलब कैसे यार। एंड बुर्ज खलीफा पे अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो भाई सब आप इस वीडियो के अंदर इतने फैक्ट्स तगड़े जानने वाले हो, इतने तगड़े आप लोग सोच नहीं सकते। तो अभी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देना यार, 50 लाइक है ओनली, एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड आज मुझे कमेंट कर देना आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हो। तो हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 7 के बारे में। गाइस आप सभी लोगों ने कभी तो जो ट्रेन होती है वो तो चालू होते हुए देखी होगी यार, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ट्रेन का इंजन होता है वो चालू करने के लिए कम से कम 25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है उसमें। मतलब कैसे यार, 25 लीटर ही खर्च हो जाता है डीजल बस चालू करने में। वही चालू करने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर्फ ट्रेन के अंदर 20 लीटर डीजल खर्च होता है, मतलब घस है। हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 6 के बारे में। गाइस आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो जो सैटेलाइट होती है वो तो देखी होगी टीवीओ में। जी हां गाइस, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सैटेलाइट होती है अगर आप लोगों के घर पर गलती से भी गिरता है तो ये अंतरिक्ष के कानून के अनुसार उस देश की सरकार द्वारा आपको 74 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि मुआवजा मिलेगा। जी हां गाइस। हेलो, हां एलियन साहब कहां हो? अरे यार एक सैटेलाइट गिरवाना था। गाइस तो हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। गाइस आप सभी लोगों ने जो फुटबॉल के मैदान होते हैं टीवी में या फिर असलियत में तो देखे होंगे, लेकिन गाइस मैं आपसे कहूं दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर 17 अमेरिकन जो फुटबॉल के मैदान है वहां पर आराम से समा जाएंगे। जी हां गाइस, एंड मैं आपको उसका नाम बता देता हूं, अमेज़न का सबसे बड़ा गोदाम है ये। जी हां गाइस, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था लेकिन गाइस ये फैक्ट है, अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा गोदाम है जिसमें 7 अमेरिकन यानी कि 17 अमेरिकन। जी हां गाइस, एंड हम लोग बात कर लेंगे फैक्ट नंबर 4 के बारे में। गाइस आज मुझे आप कमेंट करके बताओगे आप लोग जो वोट होती है उसमें अपना जो जिंदगी है पूरी आप लोग गुजार सकते हो, आज मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन ऐसा है जी हां गाइस, रिवर्ल्ड नाम का गाइस एक ऐसा जहाज है जिसमें लोग रहते तो हैं लेकिन कभी बाहर की दुनिया नहीं देखते। जी हां गाइस, पूरी जो जिंदगी है वो उसमें ही गुजारते हैं। अब गाइस यार मुझे तो कभी भी बोट में जाने के मन नहीं करता, तो यार कैसे गुजार पाएंगे हम लोग जैसे। जी हां गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। गाइस मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था अगर आप लोग बुर्ज खलीफा पे अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाना चाहते हो या फिर विज्ञापन लगवाना चाहते हो तो उसमें जो पैसे है वो लगभग कितने लगेंगे। जी हां गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है खलीफा पर विज्ञापन लगवाने के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट लगवाने के लिए आपको सोमवार से शुक्रवार यानी कि मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे के बाद सिर्फ आपको 3 मिनट एडवर्टाइजमेंट के लिए 50 लाख रुपए देने होंगे, और वहीं सैटरडे और संडे के लिए रात 8 बजे के बाद आपको लगभग 3 मिनट के लिए 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस यार कमेंट करके बताना आप लोग लगवाना चाहोगे या फिर नहीं। जी हां गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 2 के बारे में। एंड यहां तक आ गए तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग करते नहीं, 50 लाइक है यार। हम लोग बात कर लेते हैं दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जिस देश में शराब पीने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। जी हां गाइस, एंड आपको इस देश का नाम बता देता हूं, दुबई। जी हां गाइस, एंड आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो विद प्रूफ। जी हां गाइस, दुबई में घर बैठे शराब पीने के लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के आप लोग दुबई में घर पे आप लोग शराब तक नहीं रख सकते। जी हां गाइस, बाकी यार गजब ही है और खतरनाक भी अपना जो रूल है दुबई का। जी हां गाइस, एंड हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में या फिर मेन टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 के बारे में। लेकिन उससे बताने से पहले गाइस बस वीडियो पे यार 50 लाइक एम कर देना, टारगेट कंप्लीट। एंड यार आप लोग मैंने देखा है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एंड जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे डाल के रख लेना, एंड कमेंट कर देना आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हो। एंड हम लोग बात कर लेते हैं इन चीजों का प्राइस बाहर के देशों में कितना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। जी हां गाइस, ऑनियन के बारे में, एंड अपना जो भारत में प्राइस चल रहा है वो है लगभग 1 किलो का वो है लगभग 31 रुपए, वही अपना जो अमेरिका में है वो है 250 यानी कि 250 रुपए यार। एंड वही अपने भारत में कोई भी जॉब करता है सैलरी वाला, जी हां गाइस, तो उसकी लगभग जो तनख्वाह होती है यानी कि महीने की जो सैलरी होती है लगभग लास्ट होती है 50,000 रुपए तक। लेकिन गाइस आप लोग शौक हो जाओगे यानी कि चौंक जाओगे, अपने जो अमेरिका में जो महीने की सैलरी है एक्सपेक्ट सब काट के वो है लगभग 3,89,000 इंग्लिश में यार, लेकिन चलता है। जी हां गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अंडों के बारे में। तो अपने इंडिया में 12 पीस का जो प्राइस है वो है लगभग 78 रुपए, वही अपने जो अमेरिका में वो है 360 रुपए। जी हां गाइस, हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं अपना न्यू लॉन्च हुआ है iPhone 15 Pro Max 1TB का जो प्राइस है वो है भारत में लगभग 1,99,000। एंड आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड आप लोग चेक भी कर सकते हो। एंड वही अपने जो USA में यानी कि अमेरिका में वो तो आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे यार और चौंक भी जाओगे, वो लगभग 1,599 डॉलर यानी कि लगभग 1,34,000। जी हां गाइस, मतलब समझ लो ना यार, इसका मतलब एक तरह से स्कैम ही हुआ। जी हां गाइस, हमें गाइस मानता हूँ टैक्स लगता है लेकिन इतना भी नहीं लगता। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। तो हम लोग वीडियो को करते हैं यही समाप्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना, शेयर नहीं कम से कम कमेंट ही कर देना यार एक प्यारा सा। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग उनको भी जाकर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।